तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट वाली वीडियो में क्या होता है। लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमारा जो फ्रेंड बिग माफिया का भाई है, इसको अब मारना है एरूबियो को। अब इसको इसलिए मारना है बिकॉज ऑफ इसको कॉल आया एरूबियो की तरफ से कि तुम्हें तो छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं, माइकल को और गंदी तरह मौत दूंगा। तो ये सीधा फिर रेस्टर के पास आया। रेस्टर के पास तो मैं ऐसे ही गया था अपना वो बात करने, तो ये मुझे वहीं पे मिल गया। एंड मैं इसके बारे में वैसे भी सोच रहा था कि बड़े दिन से यार इसको मिला नहीं यार, मैं वहाँ पर ही मुझे ये मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसके साथ आया। इसने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले हमें मिलिट्री के बस आएगी आज, क्योंकि इसको पता है कि रोज मतलब कितने टाइम पे किस दिन बस आती है जो गन से भरी हुई। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमने गन्स वगैरह इस ट्रक से निकाल दी है। सो ये ट्रक को हमने लूटा, पहले तो हमने मिलिट्री वाले बंदों को मारा, फिर लूटा, फिर ये वाला गन्स को हमने उठा लिया। यहाँ पे कोई है तो नहीं ना बस, ठीक है। तो गाइस अभी का क्या सीन है, अभी हम लोग उस ड्राइवर की वेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्राइवर आने वाला है। तो गाइस मैंने उसको अभी वापस कॉल करा तो है, वो बोल रहा बस आ गया है, यहाँ पर सामने वाले रोड पर ही है। लेट्स सी तो वो कब तक आता है। बहुत देर से यार उसकी वेट हो रही है। बाकी यार ट्रेन पे ट्रेन इतनी जा रही है ना यहाँ पर, लिटरली सही है भाई, ट्रेन पर ट्रेन मस्त जा रही है यहाँ पे। बस एक बार वो आ जाए ना ड्राइवर तो आई थिंक सो बेटर रहेगा। एक सेकंड भाई देखने दो, एक गाड़ी तो आई थी। आओ या ओके, ड्राइवर कैसे आ चुका है। कैसे आप सभी देख सकते हो, ड्राइवर आ गया। ओके, और तेरी ट्रेट मैं कीचड़ में गिर गया चिट। ओहे, रुक जाओ ड्राइवर गाइस आ गया, रुक जाओ वहीं पर ही है। मैं ज़रा ना उसको एक बार इधर ले आता हूँ, फटाफट आ जाओ, उधर गाड़ी मत घुमा, इधर आ जा। तो गाइस ये रहा ड्राइवर। हाँ भाई ड्राइवर आ जा, गाड़ी के बाहर आ जा। हाँ भाई ड्राइवर आ चुका है। तो गाइस चलो, इसकी गाड़ी तो 2 सीटर गाड़ी लेकर आया यार ये तो। ड्राइवर जल्दी आ पहले। अब गाइस ये गाड़ी तो 2 सीटर गया है और ये कह भी रहा है कि तुम लोग चल जाना, मैं तो गाड़ी किसी को चरा के निकल जाऊंगा। मैंने कहीं भी सही है। तो भाई सबसे पहले ना हम इस गन्स को पहले सबसे पहले इस गाड़ी में रख दें, फिर सही रहेगा ना। तो गाइस हमने फुल मेहनत करके सारा सामान तो डाल दिया, एंड ये थोड़ा मुश्किल गाना आ रहा था तो हमने ऊपर बांध दिया इसको। ड्राइवर का कहना है कि तुम लोग जाओ ठीक है इस गाड़ी को लेकर, मैं ये वगैरह ट्रक को ठिकाने लगा कर पहुंच जाऊंगा ठीक है सिटी की तरफ। तो वो तो गाइस अभी उस ट्रक को ठिकाने लगा कर पहुंच जाएगा। बाकी हमें इस बस ट्रेन के ट्रैक ट्रैक से जाना, नहीं तो आप सभी को पता है कि भाई ये मिलिट्री का सामान चुरा है, तो भाई पुलिस वगैरह तो भाई हमें ढूंढ ही रहे होंगे। तो गाइस ऑब्वियस बात है कि पुलिस वगैरह हमें ढूंढ रहे होंगे, सो इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ेगा गाइस। एंड सही बताओ ना, क्या मुश्किल से हमने बांधा है ना इसको, क्या नाम है अपना, ऊपर जो गन की पेटी पड़ी है इसको हमने इतनी मुश्किल से बांधा है कि भाई साहब सही बता रहा हूँ, हिलेगा भी नहीं है। बस कोई दिक्कत ना आए। और आप सभी को बताया ये है कि भाई पुलिस भाई दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि सब जगह नाकेबंदी वगैरह चल रहे होंगे। सो हमें सीधा ट्रेन ट्रेन के रास्ते से जाना है कि ट्रेन के रास्ते पे जो दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए हम ट्रेन के सीधा रास्ते से ही जाएंगे सिटी की तरफ। तो लेट्स गो, एंड इन गन्स को लेकर मैं सीधा जाने वाला हूँ रेस्टर के न्यू वाले बेस की तरफ। सो वहीं पर इनको रख देंगे, एंड सो गाइस वो बढ़िया रहेगा। तो लेट्स गो अभी चलते हैं सिटी की तरफ। तो फाइनली गाइस अभी हम सिटी में तो पहुंच चुके हैं, एंड ट्रेन के ट्रैक पे ही हैं बस अभी भी हम। एंड सही बताऊं इतनी देर बाद हम पहुंचे ना अब सिटी, फुल टायर्ड हो रखे हैं क्योंकि कल से आप सभी को पता हमने अपने बंदों को भी मारा, फुल थके पड़े हैं अब तो भाई। आप सभी को पता ही है थोड़ी थोड़ी एज हो चुकी है माइकल की भी, एंड इसकी तो एज हो ही पड़ी है। क्या नाम है अपना जो भी है अपना, क्या नाम है इसका, बिग माफिया का भाई, इसका नाम एक तो भूल जाता हूँ मैं। बिग माफिया की भाई तबीयत पूरी हो, तो भाई थोड़ी ऐसी ऐसी चीज हो रखी है। तो अब जाके भाई इससे घर जाके कहीं आराम भी करना है, तो सबसे पहले तो हमें भाई यही करना, क्या कहते हैं इन बस सामान को जाकर हमें रखना है फटाफट से अपने, क्या नाम है, रजिस्टर के न्यू है बेस पे। बट अभी का क्या सीन है, अभी ट्रेन का ट्रैक ज़्यादा नहीं है, अभी हमें जाना पड़ेगा गलियों गलियों में से, छोटी छोटी गलियाँ। ओके कुदाना तो मुझे यहाँ से पड़ेगा। ओ बस 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 सही है भाई, गाड़ी अच्छी चलने में है तो है, सही है गाइस गाड़ी चलने में तो अच्छी है।
बाकी आराम से यहाँ से चलेंगे हम, वो रहा रास्ता। ओके, अगर अभी मुझे हाईवे पे तो जाना नहीं, रोड वो रोड गलियों में से जाना, तो यहीं से जाना पड़ेगा मुझे तो। ओके, आराम से आराम से आराम से, ठीक है। यहाँ पे बस कोई सा कोई ना हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। आराम से आराम से मैं यहाँ से भगा दूँ सबसे पहले तो, भाई जितने भगा सकता हूँ उतना बढ़िया रहेगा। भाई आराम से कट मारा मैंने, क्या गंदे वाले। भाई मैं, मेरा मन भी हाईवे पे जाने का, क्योंकि हाईवे से ही सही रहेगा, बट फिर यार बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा मुझे मुझे भाई 700 रुपये का पता ही है। फिर आराम आराम से जाना है भाई, क्या था ये। चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस हम पहुंच ही गए हैं वैसे तो। आराम से आराम से ऊपर से अगर जान से देता हूँ, नहीं तो फालतू तो में गलियों में देख लेंगे, दिक्कत और बढ़ जाएगी अपने जी की। ऐसी कि कोई पेटी पुटी सी जगह जा रहे हैं, बस वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। रुक यार, मेरे पास एक आइडिया है। ओ भाई साहब, पुलिस की हायर सारन, और रुको तेरी ऐसी तैसी, वो तेरी ऐसी तैसी भाई, आवाज आई थी कहाँ से आई थी पुलिस के सारन की आवाज। ओ भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मैंने यहाँ से निकालता हूँ अपनी गाड़ी को, और ये आ गए हम रेस्ट्रा के वो बेस पर, ठीक है। चलो गाइस, हम यहाँ पे बेस पे तो आ चुके हैं, अब फटाफट से इन पेटियों को हम अंदर रख देते हैं। तो ओके गाइस, अभी हम लोग ने सबका सब सामान इधर रख दिया है, ठीक है। एंड जो अपना बिग माफिया का भाई है, वो ट्रेवर की गाड़ी लेके अपने घर की तरफ निकल दिया है, बिकॉज ऑफ आप सभी को पता ही, अभी वो रिस्क में कहीं पढ़ना नहीं चाहता, और उसकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ऐसी सी हो रखी थी, तो वो चला गया सीधा अपने घर की तरफ। एंड बाकी का सामान हमने रख दिया है, अभी क्या सीन है, अभी हमें जाना यार अपने वाले घर पर, एंड वहाँ से उठानी है लैम्बोर्गिनी अपनी वाली। एंड आप सबको जैसे कि पता होगा कि जो अपना शोरूम है, शोरूम पे कुछ डिलीवरीज वगैरह आ रखी हैं, सो एक गाड़ी की कुछ डिलीवरी करनी है, सो वो क्या नाम है अपना, फ्रैंकलिन को, फ्रैंकलिन कह रहा हूँ, बैनी को लगा कि मैं फरारी वाले शोरूम पर हूँ, तो वो वाली गाड़ी वो फरारी वाले शोरूम पर लेकर आ चुका है। अब भाई मुझे जाना सीधा यार वहाँ पर, बट मुझे उठानी मेरी यहाँ पे सेंटिनेरियो यहाँ से। हाँ, मैं तो गाइस यहाँ से बस अपनी सेंटिनेरियो से उठानी पे, इस गाड़ी को मैं इधर नहीं खड़ा कर रहा, ऐसे खड़ा कर दूंगा कि भाई कोई खड़ा करके बस चल गया, किसी गाड़ी है यहाँ पे, ऐसे छोड़ दो इसको। मैंने तो क्लच भी नहीं लगा, चल रही थी वो गाड़ी, ठीक है। तो अभी चलते हैं फटाफट से अपनी वही गाड़ी को उठाते हैं, एंड चलते हैं सीधा आराम से। ओके चलो भाई, चलो भाई, इट्स टाइम टू ड्राइव दिस ब्यूटी। हो गया कांड, मैंने बस बोला ये इट्स टाइम टू ड्राइव दिस ब्यूटी, और ये कांड हो गया, ठीक है भाई। चलो छोड़ो यार, अभी हमें जाना है फटाफट से अपने शोरूम की तरफ फरारी वाले के, एंड वहाँ से जो बैनी ने गाड़ी उठा के वहाँ पर लेके आया हुआ है, मुझे वो वाली गाड़ी सीधा उठा कर जाना है डिलीवरी करने। बस नॉर्मल एक ही गाड़ी को करना है, तो मैं ट्रेलर ट्रेलर तो उठाने नहीं वाला। मैंने बोला बैनी तू ही कर दे, कह रहा बैनी के, बैनी ने बोला कि मीन्स मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम जाके प्लीज कराओ ये वाला काम, ये तो भाई फालतू में ऐसी दिक्कत दुक्कत सी हो जाएगी, तुम जाके कराओ, मेरे पास टाइम नहीं, अभी मुझे और भी काम भी करने हैं अभी, ठीक है। तो उसके पास तो कैसे टाइम नहीं था, हम तो फ्री बैठे थे, हमने तो बस जो काम करना था कर लिए। तो अभी जाकर हम फटाफट से फटाफट से जाके अपने फरारी के शोरूम से जो गाड़ी देकर आनी है वो उठाकर सीधा चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग बस पहुंच गए हैं अपने शोरूम पर, एंड फटाफट से अभी चलते हैं भाई साहब शोरूम पर, वहाँ से मुझे उठानी है मेरी गाड़ी, मतलब मेरी गाड़ी नहीं, जिसको कस्टमर को देनी है उसकी गाड़ी, एंड उसकी गाड़ी उठाते हैं हम सीधा चलेंगे उसको सीधा डिलीवरी करने के लिए आराम से। ओके, वी आर एट आर लोकेशन। ओके, हम बहुत गिनी सियान बेचनी है, ठीक है ठीक है ठीक, सही है सही है सही है। अपनी को ना इधर खड़ा कर देता हूँ, ठीक है।
सेंटिनरी इधर सही रहेगी खड़ी, ठीक है। बाकी की अपनी जो गाड़ियां हैं वो तो खड़ी हैं, सही है अपनी गाड़ियां खड़ी, कोई भी हिजी दुजी नहीं, सही है। अभी चलते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को उठाकर जहाँ पर इसकी लोकेशन है वहाँ पर, एंड इस गाड़ी को मुझे चलाना होगा आराम से, क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है। मेरी होती तो मैं तो भाई आराम से चलो ठीक करवा देता हूँ, अब जिसको देनी है भाई उसकी गाड़ी में ठोकते हुए तो लेके जाऊँगा नहीं, आराम आराम से गाड़ी को चलाएंगे एंड फटाफट से इसको डिलीवरी कर आएंगे भाई, आराम से आराम से। ओके कहिए, चलो आराम से आराम से बस इस गाड़ी को डिलीवर हमने कर देना है। हमें जाना है सीधा अभी, अगर आप सभी को पता होगा जो माइकल के घर के पीछे हिल्स हैं वहाँ पर हमें छोड़ना है। पता नहीं वो क्या नाम था उन हिल्स का, एक तो नाम भूल जाता हूँ, लोकेशन भी मैं जहाँ पर रहता हूँ वही लोकेशन में आती है, बट उसका नाम भूल गया यार मैं तो। तो गाइस मुझे तो इसका नाम याद आ चुका है, वो है वाइनवुड हिल्स भाई। सब सही बताऊँ मैं भूल ही गया था कि वाइनवुड हिल्स था उसका नाम, लिटरली मैं भूल गया था। बस आराम आराम से गाइस इसको चला कर लेके जाना है वाइनवुड हिल्स पर, एंड वहाँ पर उन पहाड़ों पे हमें गाड़ी छोड़ कर आनी है। तो गाइस बस हम पहुँचे, मतलब पहुँचने ही वाले हैं, अभी तो पहुँचे नहीं है बट अपने अपने घर के साइड में से निकल रहे हैं, सही है। चलो एक बार आराम से ये भगाई अपने गाड़ी सीधा, आराम से आराम से आराम से यहाँ से हमने लिया कट भाई। इस गाड़ी को तो मुझे आराम से चलाना है, दिल करता है कि यार इस गाड़ी को भी अपने पास रखूँ, क्योंकि भाई आप सभी को पता ही है फिर लैम्बोर्गिनी की गाड़ियाँ मुझे कितनी ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बोलूँ यार। छोड़ो चलो आराम से हमें जाना है गाइस, इस गाड़ी का पिकअप इतना है ना कि सही बताऊँ मैं आराम आराम से तो बोल ही जा रहा हूँ, वगा मैं इतना रहा हूँ भाई सही बताऊँ। हल्की सी रेस देता नहीं हो कि 100 तो ऐसे पार कर जाती है। अभी देखो गाइस मैं पूरे 0 पे है, ठीक है, हल्की सी रेस दी और भाई पहुंच गई, चलो बाहर 2 सेकंड के अंदर अंदर भाई सब 100 से ऊपर पार कर जाती है गाइस ये गाड़ी, सही है। चलो बढ़िया बात है, आराम से आराम से आराम से, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके बस हम पहुंच गए गाइस वहां पर है घर, हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पर। ओके 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 इधर ही था ना वो घर, ओ ये रहा गाइस ये रहा घर। गाइस अभी घर के बाहर तो हम पहुंच चुके हैं, बस अभी एक बार हॉर्न मार देते हैं, गेट खोलो भाई, चाहे डोर ही दूसरा है इसको तो, क्या कर रहा है कौन है, ठीक है। ओके ओके गाइस ये है बंदा जिसको हमने गाड़ी देनी है। ओके इसकी फुल चमचमाती गाड़ी गाइस पहुंच चुकी है, चलो गाइस इससे बात कर लेते हैं, इससे पेमेंट भी ले लेते हैं फटाफट से। तो ओके गाइस मेरी इससे बात हो चुकी है, एंड ये भाई फुल खुश हो रहा है भाई, क्लैपिंग कर रहा है कि गाड़ी मेरी अच्छी तरह आप लेकर आ चुके हो, थैंक यू सो मच, एंड इन्होंने मुझे पैसे दे दिए। एंड ये गाड़ी गाइस कुछ भी की है, हमें 10 करोड़ की गाइस हमने बेची है इस गाड़ी को, समझो कि हमने 100 मिलियन की गाइस इस गाड़ी को बेचा है, एंड इस बंदे ने खरीद भी ली। 100 मिलियन देने को एक भी मतलब भाई एक भी वो नहीं हुआ इसको, मतलब दिक्कत तो भाई सही है। एंड बाकी इस बंदे का नाम है अंडर वाटर माफिया भाई, आजकल के कैसे कैसे माफिया, कोई बिग माफिया कोई अंडर वाटर माफिया और वो बिग माफिया का भाई। चलो भाई थैंक यू सो मच अपने गाड़ी परचेज करी, मैं निकलता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी के साथ मौजूद। तो गाइस पता नहीं कैसे कैसे से माफिया आ चुके हैं यार सिटी के अंदर, अब ये बोल रहा है कि इसका नाम अंडर वाटर माफिया है, पता नहीं भाई कैसे कैसे माफिया है भाई। माफिया होता था भाई बंदे के पास बॉडीगार्ड शॉडीगार्ड तो होते ही हैं, ऐसे फेंक फूंक दे रहा होगा पता नहीं, क्या ही पता। अब इसका नाम तो अंडर वाटर माफिया है, बाकी हमें क्या। और हाँ हमने तो यार एक तो ये मस्टैच भी पहन रखी है, और मस्टैच कह रहा हूँ बियर्ड, और ऐसा मतलब मस्टैच फ्रेंच बियर्ड वगैरह हमने पहन रखी है नकली भाई, अभी तक तो हमने उतारी भी नहीं, आई डोंट नो व्हाई मुझे तो याद भी नहीं रहा। तो गाइस अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबा देगा, जो भी नई वीडियो होगी सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड मेरे साथ बात करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो करिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई मेनली सब्सक्राइब जरूर ठोकना है, लाइक जरूर ठोकना है, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सब ज्वाइन कर लो,
और मिलते नई और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के जगह इज गुड बाय। We'll be right back.